हेलो दोस्तों, मैं परशुराम शिंदे सुपर इलेक्ट्रॉनिक बारामती से। अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक एलजी का पैनल है। आप पिक्चर देख सकते हैं, कभी क्लियर चल रहा है, कभी पॉज हो रहा है। आप देख सकते हैं, अभी मैं मेनू लगा के भी आपको दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने मेनू लगाया तो इस तरह की धारियां बनने लगी। अभी ये एक ऐसा फॉल्ट है कि ये नहीं तो कॉफ का भी फॉल्ट नहीं है, ये टिकॉन का भी नहीं है, ये तो फॉल्ट है पैनल का ही। हो सकता है ये फॉल्ट ऑड इवन में भी निकल जाए, फिर भी नहीं निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, तो हम एक नए फॉल्ट को हम पैनल ही रिपेयरिंग करके देखते हैं। जैसे कि इंटरनल जो भी है इस पैनल के अंदर का शॉर्टेज है या ओपन है, तो हम इसे ही रिपेयरिंग करके सेट को ऑन करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पहले वाले पिक्चर में ये वाला लोगो रुकता था, चलता था, रुकता था, चलता था। अब ये फॉल्ट तो निकल चुका है। अब एक ये फॉल्ट कैसे निकला है आपको बताऊंगा। फिर भी एक छोटा सा और इसमें एक फॉल्ट है, आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो अंदर की क्रिस्टल है ब्रॉड दिख रहे हैं, यानी बड़ी साइज में दिख रहे हैं, वो भी फॉल्ट निकल जाएगा। अब हम मेनू लगा के देखेंगे के मेनू में धारियां बनती है क्या नहीं। आप देख सकते हैं कि पहले वाले जब ये फॉल्ट था तो पिक्चर के अंदर कुछ धारियां बनती थी, अब ये नहीं बन रही है। तो ये फॉल्ट कैसे निकला तो आपको बताता हूं। ये साइड में, यानी ये कॉफ वाली ये साइड, यानी यहां पे होते हैं सीकेवी सिग्नल, जो कि आपको दिखाता हूं। यहां से यानी हाँ, अब दिख रहा है क्या, देखो हाँ ये वाला,